दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट शायद डायरेक्शन को जानते होंगे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, लेकिन आज हम उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से जानेंगे कि डायरेक्शन जो होता है वो क्यों होता है, किधर होता है, सिर्फ नहीं जानेंगे बल्कि क्यों होता है, और साथ साथ में किसी बिंदु आवेश मतलब कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र का भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और वीडियो के साथ अंत तक चिपक कर बने रहिए, आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, और मैं गारंटी के साथ देता हूं रगाड़ के कि एकदम सीख जाइएगा, अंतिम अंतिम तक देखिएगा तो कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों यह है डेली लेक्चर का पार्ट 14, जहां पर हर दिन आपको हम फिजिक्स की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में फ्री में पढ़ाया करते हैं, सिखाया करते हैं, और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ ही आपके एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियोस को बिल्कुल अंत तक बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। और यह सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिल जाती है। वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। और पीछे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए यहां राइट साइड कॉर्नर पे एक आई बटन शो करेगा, इस आई बटन पे क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट खुल जाएगा और वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं, या यूट्यूब पे एमिंग हाई सर्च करके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमणि, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। तो चलते हैं लेक्चर पे, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके जरूरत का यह वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का घंटी आइकन अब दबा सकते हैं, जिससे मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले ना, मैं पहले आपको आंसर बता देता हूं, और जब मैं आंसर आपको बता दूंगा तो फिर मैं समझा भी दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो जान लीजिए कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस पॉजिटिव से अवे आएगा, क्या आएगा, अवे, इससे दूर। जैसे इस पॉइंट पे निकालना होता, इस प्लस के कारण अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र निकालना होता तो इसका दिशा इधर आता, अबे। इस पॉइंट पे निकालना होता तो पॉजिटिव से जस्ट अबे, इस पॉइंट पे निकालना होता तो पॉजिटिव से जस्ट अबे मतलब दूर, पॉजिटिव के तरफ नहीं, पॉजिटिव से दूर, यहां निकालना होता तो पॉजिटिव से दूर। वही अगर ये चार्ज माइनस होता, प्लस ना होकर ये माइनस होता, तो ये जो अबे आ रहा था अबे नहीं आता बल्कि इधर टूवर्ड्स हो जाता इसके तरफ, वैसे यहां भी टूवर्ड्स हो जाता, यहां भी निगेटिव के तरफ हो जाता, यहां भी निगेटिव के तरफ। मतलब कि इतना तो समझ गए आप लोग कि प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होता है, उससे दूर होता है, और माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा उस माइनस के तरफ होता है, माइनस के टूवर्ड्स होता है। यह जानने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हम लोग अब यह भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों का जवाब मैं नहीं बल्कि आप लोग खुद बता दीजिएगा। आप लोगों से पहले मैं एक सवाल पूछता हूं कि लास्ट क्लास में जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था आप लोगों को, विद्युत क्षेत्र बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है, इंटेंसिटी होता है, वो क्या होता है। अगर आप लोग को याद होगा तो हम कहे थे कि किसी भी चार्ज के कारण, मान लीजिए ये प्लस है, और इस प्लस के कारण अगर इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां प्लस 1 कूलम का चार्ज रखेंगे, और इस प्लस 1 कूलम पे जितना फोर्स और जिधर फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम आपसे पूछते हैं कि इस पी, मान लीजिए पॉइंट कोई पी है, इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस प्लस के कारण, तो यहां प्लस 1 कूलम का चार्ज रखेंगे, तो जितना इस प्लस 1 कूलम पे फोर्स लगेगा, जितना फोर्स, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप खुद सोचिएगा, बोलिएगा कि सर ये प्लस में है और यहां प्लस 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है सर, तो इस प्लस 1 कूलम पे इधर फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को ना बोलेंगे। अभी ने बोले कि प्लस 1 कूलम पे जो फोर्स लगता है, अगर नहीं देखते हैं पीछे का वीडियो तो पीछे का वीडियो रेगुलरली देखा कीजिए, तभी आपको फायदा होगा। अभी ना हम आपको बोले या पहले बोले थे कि प्लस 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका जो वैल्यू होगा फोर्स का, वो कहला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहां पे कोई पॉइंट क्यू है, और इस क्यू पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड
निकालना इस प्लस के कारण कि कितना होगा और किधर होगा। तो कितना की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, बस किधर की बात करेंगे। तो किधर निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां प्लस बंद कूलम का चार्ज रखेंगे, और इस प्लस बंद कूलम पे जितना फोर्स लगेगा, मैं कह रहा हूं इस प्लस बंद कूलम पे जितना फोर्स लगेगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होवे करेगा, लेकिन जिधर लगेगा किधर लगेगा, इधर ही लगेगा ना, बे इन लगेगा, ये प्लस इस प्लस को इधर धक्का देगा ना, इसलिए अब बे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस पॉइंट पे निकालना होता तो यहां भी ऐसे प्लस बंद कूलम चार्ज रखते और इस प्लस बंद कूलम पे इधर फोर्स लगेगा, प्लस प्लस में रिपल्सन होता है ना, बे न लगता है फोर्स, यानी आप खुद सोच लीजिए कि प्लस के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो वहां हम लोग बंद चुके हैं कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां प्लस बंद कूलम का चार्ज रखेंगे, प्लस बन प्लस प्लस, तो उस प्लस पे अबेन फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो यहां से आप खुद सोच लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है अट्रैक्ट, सॉरी अबे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सोचिए कि यहां पे अगर माइनस होता, माइनस अगर यहां पे माइनस होता तो माइनस होता तो यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तो यहां भी प्लस बन कूलम रखते, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए चार्ज प्लस में हो, ये वाला चार्ज हम कह रहे हैं कि ये वाला चार्ज चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा वहां प्लस वन कूलम का चार्ज रखेंगे। तो मान लीजिए कि ये माइनस में है और यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी बिंदु पे, तो यहां प्लस वन कूलम रखेंगे तब इधर ना फोर्स लगेगा, टुवर्ड्स ना लगेगा, वैसे यहां प्लस वन कूलम चार्ज रखेंगे तो इधर टुवर्ड्स ना फोर्स लगेगा, यहां प्लस वन कूलम रखेंगे तब इधर ना फोर्स लगेगा, मतलब कि माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है वो माइनस के तरफ होता है और प्लस के कारण प्लस से दूर होता है, इस बात को याद रखिएगा। वजह क्या है, तो वजह आप लोग जानिएगा कि अगर प्लस चार्ज रखेंगे तो प्लस को प्लस रिपल्सन करेगा, अब माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस को माइनस क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, इसलिए एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अबे होगा और दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। और हम आशा करते हैं कि अगर आप एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर हैं, हम बार बार इस बात पे जोर करते हैं रेगुलर व्यूअर, क्योंकि एक वीडियो को देखने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, झूठ मूठ के वीडियो देख रहे हैं छोड़ दीजिए इस चैनल को, एक वीडियो अगर देखते हैं तो, अगर रेगुलर देखते हैं तभी आपको फायदा होगा, अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो आपको जरूर यह समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से अबे क्यों होगा और माइनस के कारण टुवर्ड्स क्यों होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बुक वगैरह दोबारा पढ़िए समझ में आ जाएगा, वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए समझ में आ जाएगा। और नीचे लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये अबे फ्रॉम इट, इससे अबे होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट टुवर्ड्स इट, इसके कारण क्या होता है, नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है, जिधर नेगेटिव होता है उधर की ओर, और प्लस के कारण जिधर प्लस होता है उससे दूर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होता है वो पॉजिटिव प्लस के कारण धनात्मक के कारण उससे दूर होता है और ऋणात्मक के कारण उसके तरफ होता है। ये लिख लेने के बाद, ये बढ़िया से लिख लेने के बाद, अब हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो हम लोग को निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। मतलब कि हम ये कह रहे हैं, पहले समझ लीजिएगा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है और इससे और दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए निकालना है, और दूरी पर कोई पॉइंट पी है जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस और दूरी पे, ये तो समझ में आ गया कि इस प्लस के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अबे होगा, अबे प्लस के कारण क्या होगा, अबे। अगर वही ये माइनस होता, प्लस की जगह पर ये माइनस होता तो इसके तरफ होता, इधर होता, लेकिन माइनस तो नहीं इसलिए साफ कर दे रहे हैं, इधर के अबे होगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है ना आर डिस्टेंस पे, वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, के क्यू आएगा। तो देखिए, तो आपको मैं यहां पे समझाता हूं, बढ़िया थोड़ा सा समझिएगा, आप ही हमको बताइए कि इस प्लस के कारण इस जगह पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे। तो अभी मैंने ऊपर बोला या लास्ट क्लास में मैंने बोला कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा और वहां प्लस बन कुलम का चार्ज रखेंगे और इस प्लस बन कुलम पे जो फोर्स लगेगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा इस प्लस बन कुलम पे फोर्स निकालते हैं, इसलिए फोर्स ऑन प्लस बन कुलम, हिंदी वाला लिखिए प्लस बन कुलम पे लगने वाला बल, हिंदी वाला लिखिए प्लस बन कुलम पे लगने वाला बल, फोर्स ऑन प्लस बन कुलम। तो आपको पता ना कि फोर्स का फॉर्मूला क्यू बन के जगह पर कैपिटल क्यू हो गया, क्यू टू के जगह पर कैपिटल क्यू का चार्ज है,
ये चार्ज है जो कैपिटल क्यू का चार्ज है, ठीक है, कैपिटल क्यू और यहां एक कूलम का चार्ज है, तो के हो गया के कैपिटल क्यू हो गया, और जहां पे निकालना है वो चार्ज हो गया बैन बाय आर स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये सारे चार्ज के लिए अवेलेबल नहीं होता, सारे चार्ज के लिए सही नहीं होता एप्लीकेबल, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए अप्लाई होता है? रेगुलर बी और एमिंग आई के, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला हम लगाए K Q1 Q2 IR square, और इसको यूज करके हम ये फार्मूला जो निकाले K Q IR square, ये जो फार्मूला K Q1 Q2 IR square, ये कूलम्स लॉ का है ना, और कूलम्स लॉ किसके लिए अप्लाई होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कूलम्स लॉ का लिमिटेशन है कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए अप्लाई होता है? पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से सुन लीजिए कि अगर कोई चार्ज Q है पॉइंट चार्ज, इस चार्ज से r दूरी पर जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा KQ/R² के बराबर। इस पे न्यूमेरिकल भी आपको हो सकता है, जैसे न्यूमेरिकल एग्जांपल के लिए देखिए, न्यूमेरिकल हो सकता है, जैसे पहला न्यूमेरिकल ये हो गया, यहां 10 कूलम का चार्ज है, इस 10 कूलम के चार्ज से 3 मीटर या मान लीजिए 5 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो फार्मूला निकाल दीजिए कि ये P पॉइंट है, 5 मीटर पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले तो ये प्लस 10 कूलम है, तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या आएगा? प्लस 10 से अबे आएगा, अबे। वही अगर माइनस 10 होता तो इधर हो जाता, टू बार्स इधर की ओर, लेकिन हम इसको साफ कर दे रहे हैं, इधर नहीं होगा बल्कि अबे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का फॉर्मूला होता है KQ/R² कितना होता है? KQ/R² के आपका के है, या वैल्यू पुट कर दीजिए 9 × 10⁻⁹, या पुट कर दीजिए 1/4πε0, क्यू हो गया 10, डिस्टेंस हो गया 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व उल्व करने के बाद अच्छा तरीका से सॉल्व उल्व करने के बाद बढ़िया तरीका से हम वैल्यू यहां पे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQ/R² के बराबर, KQ/R² के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। वैसे ही अगर माइनस में होता तो ही वैल्यू यही यूज करते होता KQ/R² सॉल्व करने के बाद, लेकिन जो डायरेक्शन होता वो क्या हो जाता? टूवर्ड्स, डायरेक्शन जो हो जाता वो टूवर्ड्स होता, अबे नहीं होता। ये जो प्लस 10 है इससे अबे जो हो रहा था, वही अगर माइनस 10 होता तो उसके टूवर्ड्स हो जाता। यही बात था आज के लिए। तो आशा करते हैं कि आप इस बात को आज सीख लिए होंगे, कॉपी कलम पे नोट भी कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं करते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा नोट किया कीजिए, नहीं तो ऐसे आपको फायदा नहीं होगा या बहुत ही कम फायदा होगा। सीखते रहिए, हम हमेशा सिखाने का काम करेंगे। मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना काम कीजिए, वीडियो को फ्रेंड में शेयर कीजिए, यह आपके ऊपर हम जिम्मेवारी देते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को बढ़ावा दीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अकेले बस अकेले एजुकेशन का माहौल, स्टडी का माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, थक जाएंगे अकेले बनाते बनाते, कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन अगर आप लोग का एक एक हाथ मिल जाएगा सपोर्ट, बहुत आगे चले जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ऐसे ही सिखाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।